वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट क्लास, आई होप यू ऑल आर गुड। बेटा देखिए, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपना बुक का, टेक्स्ट बुक का, तो उसके हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए थे, है ना। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। बट ये देखिए, आपका काम है ये, फिलहाल ये अभी हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी आप स्कूल में नहीं है, है ना। तो कह रहे हैं कि इस बच्चे को देखिए जो यहाँ बैठा हुआ है, और साथ में इसके एक इसका डॉग है, और किस सिचुएशन में ये बैठा है, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल सब कुछ इसके आसपास ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। तो इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो ये इन्होंने कहा है आपसे करने के लिए। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा इसको, और अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको उसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर देखते हैं। बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में तीन चार कहानियाँ पढ़ी थी, छोटी छोटी सी, अलमाज जावेद की, है ना, मेघना की, संजीव की और इग्निशियस की। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था टेली स्मिथ के बारे में, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, देखते हैं। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वॉज अबाउट टू हैपन, दे फ्लेड टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. तो आप कह रहे हैं कि जब giant waves, giant बोलते हैं बहुत ही विशाल या जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी waves होती है ना, यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें, बहुत बड़ी लहरों के slam यानी attack करने से पहले, कब किसको attack करने से पहले, इंडिया या श्रीलंका के कोस्ट पर यानी उसके इसके किनारे पर अटैक करने से पहले ये नोटिस किया गया, ये देखा गया कि जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे, ऐसा मालूम होता था कि उनको पता चल गया है कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, यानी वो जो है अपनी सेफ्टी के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। कह रहे हैं कि कुछ आई विटनेस अकाउंट्स बताते हैं, यानी जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने यानी जो चश्मदीद गवाह है, उन्होंने क्या बताया है कि जो एलिफेंट्स थे वो चीख रहे थे, स्क्रीम यानी चीखना, चीख रहे थे और भाग रहे थे हायर ग्राउंड के लिए। हायर ग्राउंड यानी एक लो लाइंग एरिया होता है, यानी एक नीचे का हिस्सा होता है यानी ज़मीन में, और एक ऊपर का हिस्सा होता है यानी ऊपर की तरफ वो भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें मालूम हो रहा है कि जैसे क्या होने वाला है, तो उस सब चीज़ों से वो डर करके भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया था। फ्लैमिंगोज अबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो फ्लैमिंगोज, बेटा फ्लैमिंगोज बत्तख की तरह होते हैं, है ना, जो फ्लैमिंगोज थे उन्होंने अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़ को यानी जहाँ पर वो रहते हैं या फिर जहाँ पर वो खाते पीते हैं, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया, यानी वो वहाँ पर नहीं। और जितने भी जू एनिमल्स थे वो सब भी अपने अपने शेल्टर्स में चले गए, और उसके बाद उन्होंने बाहर आने की कोई कोशिश भी नहीं की, यानी उनको जब तक खतरा महसूस होता रहा वो बाहर नहीं आए, और वो सब जाकर अपने अपने शेल्टर्स में छुप गए। जैसे जूज होते हैं, तो जूज के अंदर क्या होता है, सबके अपने शेल्टर होते हैं बाकायदा, उनमें उनका एक जैसे पिंजरा टाइप समझ लीजिए, उसको कुंडी भी लगा देते हैं बाहर से, है ना। तो वो सब अपने ही जो है शेल्टर में जाकर छुप गए अंदर की तरफ जाकर के, और बाहर नहीं है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, सम देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके पास क्या होता है, एक सिक्स सेंस होता है, यानी उनके पास एक छठी हिस है कि जब उन्हें पता चल जाता है कि जब अर्थ जो है वो शेक होने वाली, यानी जब अर्थक्वेक आने वाला है तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एनिमल्स जो हैं उनके पास मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, यानी उनके पास सुनने की हमसे ज़्यादा क्षमता है, हमसे ज़्यादा ताकत है, वो हमसे ज़्यादा एबल है सुनने के लिए, ठीक है। और वो इसीलिए जो है वो अर्थ की वाइब्रेशन को क्या करते हैं, सुन लेते हैं, बहुत आराम से उसको सेंस कर लेते हैं, और वो आने वाले डिजास्टर से बखूबी वाकिफ हो जाते हैं, जिसका इंसान को कुछ अता पता भी नहीं होता कि क्या होने वाला है। देखिए डॉग्स की क्या खासियत मानी जाती है कि वो 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को सुन सकते हैं, है ना। और ह्यूमन की क्या कैपेसिटी है, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं, इसके अलावा वो नहीं सुन सकते, ठीक है। पर डॉग्स जो है वो इससे नीचे की आवाज़ भी सुन सकते हैं और इसके ऊपर की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इट मीन्स कि उनके पास क्या है, यानी हमसे ज़्यादा हेयरिंग उनकी एफिशिएंट है। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी डॉग के पास से गुजरते हैं, बहुत आहिस्ता से भी अगर आप गुजर जाएंगे तो उसका कान खड़ा हो जाता है। इट मीन्स कि उसने आपकी आहट को भी महसूस कर लिया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक्यूट पावर्स होती हैं हियरिंग की, वो बहुत ही आसानी से जो है
अर्थ के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, और जिसका इंसान को उतना पता भी नहीं होता कि अब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किस में है, एनिमल्स में है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते, हम इस बात में श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं है, लेकिन फैक्ट जो है वो ये है कि जब जायंट वेव्स रोल डाउन होती हुई आई इंडियन ओशन पर, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कितने लोगों को, लगभग 12 कंट्रीज के अंदर 1,50,000 पीपल जो है वो डेड हो गए, यानी किल हो गए, यानी मर गए, ठीक है। लेकिन इतने जानवर नहीं मरे, या इतने जो जानवर हैं वो रिपोर्ट नहीं हो कि वो डेड हैं या मर गए हैं। देखिए, इंसान को क्या कहते हैं, अशरफुल मखलूकात है ये, है ना। इट मीन्स कि इसके पास सबसे ज़्यादा अकल है, या फिर सबसे ज़्यादा अकल नहीं भी है तो इसको यूज़ करनी आती है। तो एनिमल्स को हम समझते हैं कि इनके पास कम से कम अकल है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी लोग ज़्यादा मरे, यानी इंसान ज़्यादा मरे बजाय बनस्बत किसके, जानवरों के, ये बता रहे हैं। अलॉन्ग इंडियाज कडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. तो कह रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, कि इंडिया का कडलोर कोस्ट है, यानी जो पानी की साइड पर है, वो समुद्री किनारा है वो। तो कह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो गए, पैरिश हो गए, यानी तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन बफेलोज यानी भैंसे, बकरियाँ और कुत्ते इतने ज़्यादा क्या नहीं हुए, अनहार्म्ड है, यानी इतना नुकसान उनको नहीं हुआ जितना नुकसान लोगों को हो गया। यारा नेशनल पार्क है कहाँ पर है, श्रीलंका में है। श्रीलंका में एक पार्क है ये, और यहाँ पर क्या है, ये बेटा इतने का जू है जहाँ पर बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रहते हैं। उसके अंदर एलिफेंट्स भी हैं, लियोपर्ड्स भी हैं, इसके अलावा 130 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, यानी डिफरेंट बर्ड्स भी हैं। 60 visitors पर बहुत जगह, तो कह रहे हैं कि लगभग 60 विजिटर्स जो है वो वहाँ से बह गए, बहुत जगह में यानी बह गए। कहाँ से, पतनंगला बीच से, इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर पतनंगला बीच है तो उसके अंदर से ही वो सारे के सारे विजिटर्स बह गए, यानी जब पानी आया तो वो सबके सब बह गए। बट लेकिन नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर टू वाटर बफेलोज। तो कहना है लेकिन किसी भी एनिमल कारकास, यानी किसी भी एनिमल के अंजर पंजर नहीं मिले वहाँ पर, डेड बॉडी नहीं मिली सिवाय दो वाटर बफेलोज के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट गैरा नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच। तो कह रहे हैं लगभग एक घंटा पहले सुनामी आने से, यानी सुनामी के हिट करने से एक घंटा पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया यारा नेशनल पार्क में कि जो 3 एलिफेंट्स हैं वहाँ पर, 3 एलिफेंट्स थे वो जो है पतनंगला बीच से दूर दूर भाग रहे थे, यानी उसके करीब नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ महसूस हो रहा है। अब श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेल सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। तो कह रहे हैं श्रीलंकन जेंटलमैन है जो कि कोस्ट पर रहता, कोस्ट के करीब रहता है, यानी किनारे के करीब रहता है, पानी के किनारे के, कहाँ पर, गेल। तो कह रहे हैं कि उसके जो दो डॉग्स हैं उस दिन वो अपने डेली रन के लिए, यानी जिस सुबह जैसे जाते हैं ना, जैसे वॉकिंग होती है, ऐसे डॉग्स को भी लेकर जाते हैं, पेट्स को भी लेकर जाते हैं अपने, तो वो उसके लिए नहीं गए, हालांकि वो उसके बहुत ज़्यादा इस पर जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, यानी उनको वो चीज़ पसंद थी कि वो रोज़ जो है वो रन पर जाएँ या वॉक पर जाएँ। लेकिन उस दिन वो दोनों ही डॉग्स जो है वो नहीं गए, और उन्होंने उस दिन ना जा करके अपनी जान बचा ली, ठीक है। तो बड़ा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, यानी आपके सेकंड लेसन के 3 पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं इसके अंदर क्या वर्क है, पहले तो कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। कह रहे हैं कितने जानवर मरे हैं, है ना, इतने तो लोग मरे हैं, 150,000 पीपल मर गए हैं, और लेकिन एनिमल्स कितने मरे। उसके बाद सेकंड है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन यारा नेशनल पार्क। तो कह रहे हैं कितने लोग और जानवर यारा नेशनल पार्क में मरे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ यारा नेशनल पार्क। तो कह रहे हैं यारा नेशनल पार्क के लोगों ने एनिमल्स के बारे में क्या बताया है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू। कह रहे हैं कि डॉग्स ने गेल में क्या किया, देखिए जरा इसके आंसर्स। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन यारा नेशनल पार्क। यारा नेशनल पार्क में कितने लोग और जानवर मरे, ठीक है, किससे सुनामी थी, कितने लोग मरे। 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स डाइड इन यारा नेशनल पार्क। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच इन साइड द पार्क, बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। कह रहे हैं 60 विजिटर्स जो हैं मतलब उनकी डेथ हो गई और 2 एनिमल्स भी मर गए,
ठीक है ना, कहाँ पर यार नेशनल पार्क में। लेकिन 60 विजिटर्स के बारे में बता रहे हैं कि वो सब बह गए पतरंगला बीच से पार्क के अंदर, लेकिन कोई भी एनिमल नहीं, किसी एनिमल का कारकास हमें नहीं मिला है सिवाय दो वाटर बफेलोज के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। कह रहे हैं कि सुनामी में 150,000 लोग मरे हैं तो कितने जानवर मरे। द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मेनी एनिमल्स वर रिपोर्टेड डेड। द एग्जैक्ट काउंट ऑफ डेड एनिमल्स वाज नॉट नोन। तो कह रहे हैं कि जाइंट वेव्स ने जो कि आई थी इंडियन ओशन पर, तो उन्होंने 150,000 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और वो भी कितनी कंट्रीज, 12 कंट्रीज के अंदर, डजन मतलब 12। ठीक है, लेकिन इतने जानवरों की मरने की रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कितने जानवर मरे, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ यारा नेशनल पार्क। कह रहे हैं कि यारा नेशनल पार्क के लोगों ने एलिफेंट्स के बारे में क्या कहा। पीपल से दैट दे ऑब्जर्व थ्री एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतरंगला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट दैट प्लेस। कह रहे हैं लोग कहते हैं कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि थ्री एलिफेंट्स जो हैं वो भाग रहे हैं पतरंगला बीच से दूर, यानी उससे दूर भाग रहे हैं वो, लगभग कितनी देर पहले, सुनामी आने से 1 घंटा पहले। ठीक है, ये उन्होंने उनके बारे में नोटिस किया था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू, यानी डॉग्स ने गेल में क्या किया, जो भी हमने श्रीलंकन मैन के बारे में पढ़ा था। देखिए, टू डॉग्स ऑफ अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्ड ऑन द कोस्ट नियर गेल वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव देयर लाइफ एंड द ऑनर्स लाइफ। तो कह रहे हैं दो डॉग्स जो श्रीलंकन जेंटलमैन के थे, जो कहाँ रहता था, एक कोस्ट के करीब गेल में, है ना, ये श्रीलंका की बात है। तो कह रहे हैं उस दिन वो अपने डेली वॉक पर नहीं गए, डेली रन पर नहीं गए बीच पर, हालांकि वो इस पर जाने के लिए अक्सर एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन इस दिन ये लोग नहीं गए और उन्होंने उस दिन इनकार करके ना जा करके अपनी और अपने मालिक की जान बचा ली। ठीक है बेटा, देखिए ये जो हमने करा है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी आपके जो जिस चैप्टर पर जिस पार्ट जो पार्ट आपने पढ़ा चैप्टर का, उस पार्ट के बेस पर आपसे 3, 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं ना। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रू फॉल्स कर लिए थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वर्किंग विद द टेक्स्ट। प्लीज ये तीनों पार्ट पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ही फेल द अर्थक्वेक डू यू थिंक ही वाज इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ तक तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आगे से आप इसको कट कर देंगे, इट मीन्स कि आप इसे कॉपी में नहीं लिखेंगे, यहाँ से बीच सेंटेंस से लेकर स्टॉप तक नहीं लिखना, आपको व्हेन ही फेल्ड से लेकर आंसर तक लिखना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्या इग्निशियस को इस सुनामी के आने का अंदाजा हो गया था, क्या उसे पता चल गया था कि सुनामी आ रही है, या वो जानता था कि क्या होने वाला है। तो बेटा देखिए, इसका आंसर हम कहेंगे नहीं, उसको नहीं मालूम था, क्योंकि उसने हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसने क्या करा था, उसने जब उसकी वाइफ ने उसको उठाया था नींद में से, तो उसने उठते ही सबसे पहले अपना टीवी उठा करके नीचे रख दिया था। अगर उसे मालूम होता कि सुनामी आने वाली है, तो वो टीवी से ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करता, उसको क्या लगा होगा कि शायद सिर्फ अर्थक्वेक है और थोड़ी देर में ये चला जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, है ना। देखिए इसका आंसर, नो, इग्निशियस डिड नॉट रियलाइज द सुनामी हैड स्ट्रक व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक इनिशियली। He thought that it was just an earthquake, so he took the television off the table and kept it on the ground. कह रहे हैं कि नहीं, इग्निशियस को पता नहीं चल पाया था, वो रियलाइज़ नहीं कर पाया था कि सुनामी जो है वो आने वाली है, बस उसे लगा कि सिर्फ अर्थक्वेक है, शुरुआत में उसको लगा कि अर्थक्वेक है और उसको लगा कि थोड़ी देर के बाद ही चला जाएगा, इन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो इसलिए उसने अपना टीवी उठा करके नीचे रख दिया था ताकि वो ग्राउंड पर ना गिर जाए और टूट ना जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। कह रहे हैं कि यहाँ पर ना एक लिस्ट दे रखी है इस ब्लू बॉक्स में, स्काई ब्लू बॉक्स में, तो कह रहे हैं इसमें से कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो संजीव को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके हिसाब से। बेटा संजीव वही है जिसने अपने कुक की वाइफ को बचाया था और उसके बाद वो बेचारा खुद भी नहीं बच पाया था, है ना, हालांकि वो पहले बच गया था, लेकिन जब उसने सुना कि हेल्प के लिए कोई बुला रहा है, तो वो उसको बचाने के लिए पानी में कूदा और उसके बाद फिर वो दोनों ही नहीं मिल पाए। तो आप कह रहे हैं कि आप उसके हिसाब से कौन कौन से वर्ड्स के अंदर से उसके लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए या उसके बिहेवियर के लिए चूज कर सकते हैं। तो देखिए, चेयरफुल, हीरोइक, एम्बिशियस, सेल्फलेस, ब्रैश, हर्टलेस, ब्रेव, ह्यूमरस, केयरलेस। देखिए बेटा, ब्रेव यानी वो बहादुर था, उसके बाद आता है सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है यानी उसने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा, तो वो अपने उसको हम सेल्फलेस बोल सकते हैं। और प्लस वो हीरोइक था, यानी एक ये हीरोइक एक्ट था कि किसी की जान को बचाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देना। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कम्प्लीट द थ्री सेंटेंसेज बिलो, कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, ये वर्ड्स यहाँ से यूज करने हैं और यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है. आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एम्बिशियस और ह्यूमरस. उसके बाद सेकेंड है आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव हीरोइक एंड सेल्फलेस. थर्ड है संजीव वॉज नॉट हर्टलेस केयरलेस और ब्रैश. ये आपको फिल करना है. समझ आया बेटा, ये तो आपको बुक में ही करना है, इसका आंसर कॉपी में लिखना है, मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है. उसके बाद थर्ड देखिए हवा मेघना एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर, कह रहे हैं मेघना की और अलमास की स्टोरीज सिमिलर है, मिलती जुलती है, कैसे देखिए इसका आंसर. तो सेकंड का आंसर बेटा आप क्या लिखेंगे, ब्रेव हीरोइक एंड सेल्फलेस, है ना, ये थ्री वर्ड्स हैं जो संजीव को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं. अब मेघना का और अलमास के बारे में जो क्वेश्चन है वो देखिए, बोथ अलमास एंड मेघनाज फैमिलीज वर स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी वेव्स एंड दे वर द ओनली सर्वाइवर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फैमिलीज, बोथ ऑफ देम फ्लोटेड इन द सी फॉर मैनी डेज. तो कह रहे हैं कि दोनों ही अलमास और मेघना की फैमिलीज वो बह गई थी सुनामी में, सुनामी की लहरों में वो दोनों की फैमिलीज बह गई थी और वो दोनों अपनी अपनी फैमिली से सिर्फ अकेली अकेली ही बची थी, यानी वो ओनली सर्वाइवर थी अपनी फैमिली से, और वो दोनों ही बहुत दिन तक पानी में तैरती रही, यानी फ्लोट कर रही, एक तो शायद लकड़ी के डोर के ऊपर थी और एक लॉग ऑफ फूड के ऊपर. ठीक है बेटा, तो ये सिमिलैरिटी इन दोनों के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन बेटा कट कर दीजिए. उसके बाद फिफ्थ देखिए, इफ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड वुड यू थिंक शी शुड शेयर इट विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर, कह रहे हैं अगर टिली का अवार्ड शेयर किया जाए तो आप क्या सोचते हैं कि वो किसके साथ शेयर करे, उसको किसके साथ अपना अवार्ड शेयर करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ. ठीक है, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन भी समझ लीजिए साथ साथ, वॉट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट बाय सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल. तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वो दो डिफरेंट आइडियाज़ क्या हैं जिसके हिसाब से कहा गया है कि बहुत ही कम एनिमल्स मरे हैं या बहुत सुनामी ने बहुत कम ही एनिमल्स को मारा है, तो वो दो आइडियाज़ कौन से हैं, है ना. तो और उसमें से उन दोनों आइडियाज़ में से आपको कौन सा सूटेबल लगता है, दो आइडियाज़ कौन कौन से थे और कौन सा आपको सूटेबल लगता है. ठीक है ना, ये क्वेश्चन है. देखिए इन दोनों के आंसर देखिए, बड़ा फिफ्थ का आंसर क्या है, इफ माई ओपिनियन टिली शुड हैव शेयर्ड हर अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर हु मेड हर अवेयर ऑफ व्हाट अ सुनामी इज and its various effects. She was able to save the lives of so many people due to the awareness created by her teacher. तो कह रहे हैं कि मेरी ओपिनियन, यानी मेरी ओपिनियन के हिसाब से टिली को अपना अवार्ड जो है वो शेयर करना चाहिए अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ. ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको अवेयर किया कि सुनामी क्या होती है और उसके वेरियस इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी उसके प्रभाव क्या होते हैं, तभी वो बहुत सारे लोगों को बचाने के काबिल हो सकी और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई इस अवेयरनेस की वजह से. तो इसलिए जो है अवेयरनेस उसकी टीचर ने क्रिएट की थी, तो अवार्ड भी उसकी टीचर को ही मिलना चाहिए. बड़ा सिक्स आंसर के अंदर क्या पूछा है उन्होंने कि दो व्यूज हैं लोगों के. तो पहला वाला कौन सा व्यू है, नॉट मैनी एनिमल्स वर किल्ड बाय द सुनामी, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग दैट हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. तो कह रहे हैं ज़्यादा जानवर नहीं मरे हैं सुनामी से, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है, वो ये यकीन करते हैं कि एनिमल्स के पास एक एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है, यानी ये बहुत हल्की फुल्की वाइब्रेशन, यानी जो इंसान नोटिस भी नहीं कर पाता ये उनको भी सुन पाते हैं, है ना, और उनको फील कर देते हैं कि अर्थ में क्या वाइब्रेशन हो रही है, कि क्या होने वाला है, ये उनको अंदाज़ा हो जाता है इस बात का. एक तो ये ओपिनियन है, दूसरा है सेकेंडली सम पीपल बिलीव दैट द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, दे कैन गेस द कमिंग डिजास्टर एंड सो रन अवे टू सेफर प्लेसेस. द आइडिया दैट आई, आप देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड ओपिनियन है लोगों की, वो ये कहते हैं कि एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस होता है, यानी एक छठी हिस्स होती है, इसके बेस पर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई डिजास्टर यानी कोई तबाही आने वाली है, इसलिए जो है वो लोग जो है जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कहाँ सेफ प्लेस की तरफ भाग गए थे. ठीक है, ये दूसरी ओपिनियन है. अब वो पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा वैलिड लगता है. द आइडिया दैट आई फाउंड मोर बिलीवेबल इज दैट द एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग दैट हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. तो हमारे हिसाब से ये आइडिया ज़्यादा बेहतर है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है और जो उनको मदद करता है ये सुनने में और फील करने में कि अर्थ में क्या वाइब्रेशंस हो रही हैं. ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया डॉग का, तो जब डॉग के पास ये पावर है तो इट मीन्स और भी बहुत सारे एनिमल्स के पास होगी. ठीक है ना, तो हमें सिक्स सेंस से ज़्यादा वाला वैलिड जो पॉइंट है वो हमें ये लग रहा है. तो ये आपके बेटा क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ये आपको कॉपी में करने हैं, बाकायदा कीजिएगा इनको, यानी पार्ट वन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपरली डालकर उसके बाद वर्किंग मुझे टेक्स्ट के क्वेश्चंस अलग हेडिंग डालकर कीजिएगा. ठीक है, देखते हैं बुक में आप आगे क्या करना है हमें.
ये देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो द वर्ब्स गिवन ब्रैकेट्स विल यू विल गिव यू अ क्लू। तो कह रहा है हमें फिलअप्स करना है, ये ब्लैंक के साइड में वर्ड दे रखा है जो हमें यहाँ फिल करना है, लेकिन फिल जो वर्ड जो फिल करना है वो एज इट इज नहीं करना, उसमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, क्या चेंजेस करना है इसको देखिए जरा। जिस तरह हम सफिक्स प्रीफिक्स करते हैं बेटा उसी तरीके से करना है। तो फर्स्ट है आपका द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द ट्रेम्बलिंग। ये ट्रैम्बल लिखा हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे ट्रैम्बलिंग, स्पेलिंग में चेंज है इस हिसाब से लिखिएगा जो मैंने लिख रखी है। उसके बाद सेकंड है व्हेन द जू वाज फ्लडेड देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लैंक एंड मेनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड। तो वर्ड क्या दे रखा है कंफ्यूज, आपको क्या लिखना है कन्फ्यूजन। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है थर्ड वी हर्ड विद ब्लैंक दैट द लायन हैड बीन रीकैप्चर्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिलीव, रिलीव आपको इसका आंसर लिखना है रिलीफ। उसके बाद फोर्थ है द जू कीपर वॉज स्टक इन अ ट्री एंड हिज ब्लैंक वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू। तो रेस्क्यू है बेटा इसके अंदर, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, रेस्क्यू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है देयर वॉज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। अब यहाँ पर एक्साइट है तो इसका वर्ड चेंज करके आप यहाँ लिखेंगे एक्साइटमेंट, एक्साइट एज इट इज लिखेंगे और मेंट उसके आगे ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा, जो फिलअप्स किए हैं वो भी आपको बुक में ही करना है और ये वाला जो काम है ये भी बुक में ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड्स मीनिंग जो है आपको कॉपी में करने हैं। अच्छा, इसके अंदर ना इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको एक्टिव बताना है और पैसिव बताना है। इट मीन्स कि एक्टिव सेंटेंस कौन सा है, पैसिव सेंटेंस कौन सा है। बेटा ये तब आपको क्लियर हो पाएगा जब आपको टेंसेस आते होंगे। ठीक है, तो जब हम टेंसेस करेंगे उसके बाद मैं आपको उसको प्रॉपरली बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और पैसिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, यानी सब्जेक्ट पैसिव होता है। ठीक है, तो देखिए जरा, फर्स्ट है समवन स्टोल माय बाइसिकल, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली। ठीक है, तो समवन यानी जो किसी है वो इसमें एक्टिव है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव, तो यहाँ पर आप ए बना दीजिए। उसके बाद है द टायर्स वर डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। अब ये देखिए द टायर्स, टायर्स एक्टिव नहीं है इसके अंदर, है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गए हैं, तो इट मीन्स कि ये पैसिव हो गया। उसके बाद थर्ड है आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। तो अब यहाँ पर मतलब आई, आई यानी मैं एक्टिव है ये, और यही सब्जेक्ट की जगह पर भी है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे, है ना, यहाँ पर हम ए लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ आता है इट हैड बीन थ्रोन देयर, इसको वहाँ फेंक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया इट हैड बीन, तो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं, ये भी पैसिव हो जाएगा बेटा। उसके बाद है माई फादर गेम, देखिए माई फादर आ गया इसके अंदर सब्जेक्ट की जगह पर, तो अब यहाँ पर ये भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, द मैकेनिक, मैकेनिक यानी सब्जेक्ट है, एक्टिव है ये, और इसको हम क्या कर देंगे ये भी एक्टिव लिख देंगे, तो बस इस तरह लिख देगा इसको। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट की वर्ड्स मीनिंग भी करने हैं आपको बेटा, अपनी कॉपी में थर्ड पार्ट की वर्ड्स मीनिंग करेंगे जैसे करते हैं एज यूजुअल आप लोग, ये इंग्लिश टू हिंदी लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसके बाद आपको वर्किंग विद द टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और बुक के अंदर ये दोनों काम करने हैं। चैप्टर आपका इतना ही है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और वैसे तो अल्लाह ना करे कि हमें कभी भी किसी डिजास्टर का सामना करना पड़े, लेकिन अगर कभी सिचुएशन आती है तो हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर के बिना अपने हाथ पैर फुलाए, बिना घबराए, बिना पैनिक लिए हमें उससे सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।